नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रवि CFM यानी कूलर फैन मोटर वाइंडिंग। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज का वीडियो है हमारा जो कि ब्लोअर है, जो कि सर्दियों में गर्म हवा देने का वर्क करता है। तो ये वही चीज़ है, मिनी ब्लोअर है, गर्म हवा देने वाला, जो कि सर्दियों में यूज होता है। तो इसी का एक मोटर है छोटा सा हमारे पास आया हुआ है। तो ये मोटर ही आता है हमारे पास बनने के लिए, पूरा फिटिंग नहीं आता है। तो कभी फिटिंग आएगा तो फिटिंग का भी हम दिखाएंगे, वीडियो बना देंगे फिटिंग का भी, कैसे इसको मोटर को निकालते हैं उसमें से और कैसे फिट करते हैं। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास मोटर ही आया है, तो इसी का वीडियो है और इसी को हम इस वीडियो में रिपेयर करना सीखेंगे। तो अगर रिपेयर करने लायक होगा तो इसे रिपेयर करेंगे, और नया बाइंडिंग करने लायक होगा तो इसे नया बाइंडिंग करेंगे। तो इसी टॉपिक पे दोस्तों वीडियो है हमारा। तो सबसे पहले, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आ गए हम अपने वीडियो पर। और ये देखिए, हमारे पास ये है ब्लोअर का ये मोटर है, जो कि सर्दियों में गर्म हवा देने के काम आता है और उसी में ये यूज होता है। तो चलिए इसको पहले हम खोल लेते हैं। तो देखिए, यहाँ से इसे खोलना है और सबसे पहले ये नट निकाल लेना है। तो इस नट को हम निकाल लेते हैं। और दोस्तों, इसमें फुल वीडियो है इसका, यानी कि खोलने से लेकर के फुल रिपेयरिंग तक। इस मोटर को हम चालू करके भी हम आपके सामने इसको दिखाएंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर है, लेकिन जानकारी आपको इस वीडियो में फुल मिलने वाली है। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो अभी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियो हमारे इस चैनल पर हमेशा आपको मिलते रहते हैं दोस्तों। तो चलिए, हम इस नट को, दोनों तरफ में ये नट लगा हुआ है, तो दोनों तरफ के नट को खोल लिए। और इसका नट का जो पेच है खोलने वाला, थोड़ा ख़राब हो गया है, तो इसलिए ये खुलने में दिक्कत कर रहा था। देख सकते हैं, ये कट भी गया है और ये टेढ़ा भी हो गया है। तो फिर भी चलिए, हमने इसे खोल लिया है और अब इसे निकाल लेना है। तो अब देखिए, कॉइल कहाँ से निकालेंगे। तो देखिए, ये कॉइल निकालने के लिए ये दिखा देते हैं। देखिए, तो ये यहाँ से इसे कॉइल को नीचे की तरफ दबाव दे करके ठोकना है। तो देख लीजिए, इस तरह से नीचे की तरफ दबा देंगे और इसे ठोक करके निकाल लेंगे। तो यहीं से ये कॉइल निकलेगा और इसी तरह से इसके अंदर ये सेट भी होगा। तो ये देख लीजिए, इसी तरह से निकाल लेना है कॉइल को। तो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, ये हमारा कॉइल निकल गया है। इसके अंदर से स्टेटर है, ये समझ लीजिए, ये स्टेटर है इसका, जिसमें हमें कॉइल डालना है। और ऊपर वाला समझ लीजिए, जिसमें से निकालना है, वो उसका बॉडी है। तो ये स्टेटर है, इसी स्टेटर में हमें कॉइल भरना है। तो देखिए, ये रेडीमेड कॉइल रहता है, तो स्टेटर को भी देखिए अलग कर दिए और हमारे पास सिर्फ कॉइल बच गया। तो चलिए, सबसे पहले तो हम इसको देख लेते हैं कि ये वाइंड करने लायक है या ये रिपेयर लायक है। तो हालांकि ये तो काला हो गया है, देखने में तो लग रहा है कि ये जल गया है और वाइंड करना पड़ेगा, लेकिन इसके अंदर देखिए ये कपलर लगा हुआ है एक। इसे ये थर्मोस्टेट है जो काला वाला है छोटा सा, तो ये थर्मोस्टेट है। तो चलिए, एक बार हम इसे पहले चेक करके देख लेते हैं। तो देखिए, ये इसके पार्ट्स हैं, कॉइल, स्टेटर और रोटर, और इसके बाद में इसका बॉडी। तो ये देखिए, इसमें जो कनेक्शन होता है बिल्कुल सीलिंग फैन की तरह होता है, एक उल्टा और एक सीधा। तो ये देख लीजिए, इसी तरह से कनेक्शन भी है। तो सबसे पहले, अगर इसे वाइंडिंग करना होगा तो इसी के अंदर हमें वाइंड करना होगा। ये कॉइल को काट के निकालना होगा और इसके अंदर हम वाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसे चेक करके देख लेते हैं कि क्या ये रिपेयर लायक है या वाइंड करना ही पड़ेगा। तो थर्मोस्टेट तो इसका ख़राब है, नहीं बता रहा है। तो अब हम इसे डायरेक्ट जला करके देख लेते हैं, वायर को छीलेंगे। तो ये बहुत पतला वायर होता है दोस्तों, देखिए हमारा जल गया वायर, हाथ में कुछ नहीं आया, जल जा रहा है। तो ये 38 नंबर की वायर होती है, तो बहुत पतला बारीक वायर होता है, बिल्कुल बाल की तरह। तो ये
जलाने से वर्क नहीं करेगा। तो देखिए ये जो हमारा बल्ब हल्का सा जल रहा है तो इसका मतलब है कि ये कॉइल हमारा ठीक है, तो ये कॉइल हमारा काम कर जाएगा क्योंकि सीरीज में जल रहा है बल्ब, तो इसे ही हम रिपेयर करेंगे। तो कभी नया वायरिंग के लिए आएगा तो उसका भी हम बना देंगे वीडियो। तो ये जल जा रहा है बार बार, तो इसे हम केमिकल से छुड़ाएंगे, तो केमिकल भी आता है तो पहले चेक कर ले। तो एक बार फिर से हम आपको चेक करके दिखा देते हैं, उस समय दिख नहीं रहा था अच्छा से। तो देखिए अब हमारे ये बल्ब क्लियर जल रहा है, ठीक है, तो इसे हम रिपेयर करेंगे। तो देखिए यहाँ से वायर को इसे निकालना है, सारे घाट बने हुए हैं इसके अंदर, तो बिल्कुल घाट को ध्यान में रखते हुए अपना ध्यान दे करके अच्छा से याद करके खोलिएगा और बिल्कुल इसी तरह से इस घाट में वायर को फंसा लीजिएगा। तो इसको हम कट इसलिए कर रहे हैं ताकि जो होल है इसका बहुत बारीक है ताकि उसमें से निकल जाए, ये गर्म होकर पिघल गया है इसका प्लास्टिक। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे है इसका कनेक्शन, तो बहुत बारीक से निकालना है और ज़्यादा अगर इसमें हड़बड़ी करेंगे तो बहुत पतला वायर होता है, ये टूट जाएगा तो रिपेयर नहीं होगा, फिर इसे वाइंड ही करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं निकलता है कि नहीं निकलता है, तो अगर निकल जाता है तो रिपेयर हो जाएगा, अगर नहीं निकलेगा तो इसे नया वाइंडिंग ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो निकाल के देखते हैं, अगर ठीक से निकल जाता है तो इसी तरह से देखिए निकालना है ताकि आराम से निकल जाए। देख सकते हैं ये पूरा पिघल गया है, तो देखिए ये तो हमारा निकल गया, ठीक है, अब ये निकल गया और इसे अब हम केमिकल है, देखिए ये केमिकल है, ईसोल है नाम है इसका, इस केमिकल का। तो आप वाइंडिंग करने वाली दुकान से जो सामान खरीदते हैं वायर वगैरह, तो वहीं पे आपको ये ईसोल केमिकल भी मिल जाएगा, ये पॉलिश छुड़ाने के काम आता है। तो एल्युमिनियम में ज़्यादातर यूज करते हैं हम इसको, क्योंकि एल्युमिनियम जलाते नहीं हैं, एल्युमिनियम जलाएंगे तो जल जाएगा, पूरी वायर जल जाएगी। तो ज़्यादातर यूज करने के लिए तो एल्युमिनियम में या फिर बारीक वायर होता है हमें यूज करते हैं, जैसे कि ये बारीक वायर है, इसको तो ना हम छील पाएंगे और ना ही इसे जला पाएंगे, तो ऐसी जगहों पर इसे हम यूज करते हैं इस केमिकल को, और बहुत सावधानी से यूज करना होता है। देख सकते हैं कपड़े से हम इसको कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज्वलनशील होता है, अगर कहीं पड़ जाए हाथ पे या उंगली पे तो ये सीधा जला देता है, तो इसे बहुत सावधानी से यूज करना होता है इस केमिकल को, और खोलते समय भी सावधानी बरतनी है क्योंकि इसमें गैस बनता है इस केमिकल को, तो बहुत ही सावधानी से अगर यूज करना है तो करिएगा। तो देख लीजिए इसी तरह से इसका लीड निकाल लेना है। तो देखिए एक वायर हम जोड़ दिए इसमें और अब हम इसमें दूसरी वायर जोड़ेंगे दूसरे तरफ, तो दूसरे तरफ भी हम जोड़ लेते हैं। तो ये थोड़ा कम दिख रहा है, रुक के दिखाते हैं। तो देखिए इस तरह से वायर को जोड़ लेना है और जोड़ने के बाद में इसे सोल्ड भी करना है, तो ये हम पेस्ट लगा देते हैं और पेस्ट लगा करके इसे हम सोल्ड करेंगे क्योंकि ये बारीक वायर है और उतने अच्छे से इसमें ये टाइट नहीं होगा, ठीक है, तो इसे सोल्ड करना ज़रूरी रहता है, नहीं तो स्पार्किंग आएगा और यहीं से ये ख़राब हो जाएगा, तो इसे सोल्ड करना अनिवार्य है, अगर सोल्ड नहीं करेंगे तो आपका ये मोटर चलेगा नहीं, यहीं से स्पार्क कर जाएगा क्योंकि बारीक वायर है, ये टाइट होगा नहीं इसके अंदर। तो चलिए अब इसे हम, तो जैसे था बस वैसे ही इसे हम सेट कर देते हैं, और सेट करने के बाद में हम इस पे लगाएंगे टेप भी लगाएंगे इसके ऊपर, ताकि ये रिपेयर कॉइल है और टेपिंग कर देंगे तो हमारा ठीक से रहेगा, अस्थिर रहेगा, एक जगह पड़ा रहेगा। और दूसरी चीज़ कि इसमें ऊपर से हम बार्निश भी थोड़ा सा कर देंगे, वैसे वायर में तो पूरी बार्निश जाएगी नहीं क्योंकि तो ये पहले से टाइट है, लेकिन जो लूज हो गया है कुछ वायरें लूज भी है इसके, तो वो सेफ में आ जाएगी, तो इसके चलते हम ऊपर से टेप भी करेंगे
और टेपिंग करने के बाद में इसमें हम वायर भी इसमें हम वार्निश भी करेंगे। तो चलिए इस तरह से वायर को सेट कर लेते हैं और ये बिल्कुल सेफ दिया है ढक्कन की तरह और सेट करके और इसके ऊपर हम टेपिंग करेंगे। इसके बाद में हम इसके ढक्कन को बंद कर देंगे। जो प्लास्टिक वाला दिख रहा है ये ढक्कन है इसका, ताकि कॉइल हमारा सेफ रहे स्टेटर के अंदर। तो देखिए ये वाला टेप है जो कि हम फैन वाइंडिंग में यूज करते हैं, तो इसको बीच से डबल कर लेंगे, इसे बीच से हम काट लेंगे आधे पे और इसी को हम इसके अंदर लगा देंगे। तो ये देख सकते हैं इस तरह से इसे कटिंग कर लेना है और इस तरह से सारे कॉइल पे चारों तरफ कॉइल पे इसे लगा देना है। और लगाने के बाद में हम इसे लास्ट में वार्निश करेंगे फिटिंग करने के बाद, तो क्योंकि फिटिंग करने के बाद ही करेंगे, नहीं तो हाथ में लगेगा वार्निश। तो ये हो जाएगा, इसमें चारों तरफ से खुला है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा टेप का सेटिंग हो गया। इसको अच्छे से बिठा लेंगे ताकि हमारा कहीं कॉइल में या स्टेटर में कहीं लगे ना और रोटर में कहीं भी लगना नहीं चाहिए। तो इसे अच्छा से हम बिठा भी लेंगे इस टेप को। तो दोनों कॉइलों में हम डालेंगे, इस टेप को डालेंगे दोनों कॉइलों में और ये जो हमारा है अब ये फिटिंग हो चुका है। तो ये देख सकते हैं इस तरह से फिटिंग कर लेनी है। थोड़ी कट जा रही है वीडियो, तो कोई बात नहीं, जो मेन है वो समझ में आ जा रहा है, दिख रहा है। और इसे देखिए इस तरह से सेट कर लेंगे। तो देखिए ये उल्टा भी लगेगा तब भी सेट नहीं होगा, क्योंकि इसमें उल्टा सीधा ये देखो घाट बना है। तो इसी सेम साइज़ का इस प्लास्टिक कवर में भी घाट बना है, तो इसको देख के लगाना है। तो चलिए हम इसको सीधा कर दिए और अब ये हमारा लग चुका है। और देखिए ये बिल्कुल जैसे था वैसे ये फिटिंग हो गया। और अब हम इसे, ये बॉडी है इसका, तो इस बॉडी में फिट करेंगे। तो देखिए इसमें भी घाट बना हुआ है, दिखा दिए घाट, तो उसी घाट में फंसना चाहिए। और उस घाट में अगर नहीं फंसाएंगे तो ये बैठेगा ही नहीं, तो ये थोड़ा दिक्कत कर रहा है। ये जल गया है ना कॉइल, इसका प्लास्टिक गर्म होकर पिघल गया है, तो थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। तो कोई बात नहीं, इसे हम फिट कर लेंगे। थोड़ा दबाना पड़ रहा है, तो इसे दबा करके इसके अंदर डाल देंगे। तो थोड़ी सी वही दिक्कत आ रही है, अगर ज़्यादा दिक्कत करेगा तो जो प्लास्टिक है इसको फाइल से रगड़ भी देंगे तो ये बैठ जाएगा। तो देख लेते हैं, अगर नहीं बैठता है तब हम इसे फाइल से रगड़ देंगे। तो हालांकि बैठ गया, तो चलिए अब इसे ठोकना है। तो जैसे निकाले थे सेम उसके उल्टा इसको पकड़ करके इसे ठोक देना है। तो चलिए हम इसे ठोक देते हैं, इस तरह से ठोकेंगे जैसे निकाले थे वैसे ही ठोकेंगे। तो देखिए ये हमारा बैठ गया इसके अंदर और दोनों तरफ से इसको बराबर बिठाएंगे, टेढ़ा नहीं रहना चाहिए। हालांकि ये बैठ जाएगा तो टेढ़ा रहेगा भी नहीं, क्योंकि इसका सेम साइज बना हुआ है, तो बिल्कुल बराबर में इसे बिठा लेना है। क्योंकि ये फैन की तरह नहीं है कि थोड़ा मोड़ा टेढ़ा है, तो ये टेढ़ा जरा सा भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये फिक्स है और इसकी फिक्स जगह बनी हुई है। ये गलत जगह पर इसको डालेंगे तो ये जाएगा ही नहीं। तो ये हमारा कॉइल फिटिंग हो गया। अब हम मोटर को फिट करके हम आपको चला के दिखाते हैं। तो चलिए पहले सबसे पहले हम इसे चेक कर लेते हैं कि हमारा ये वर्क कर रहा है कि नहीं कॉइल। तो इसे छीलेंगे और छीलने के बाद में हम इसे सीरीज लैंप से इसे हम चेक कर लेंगे। तो चलिए इसे हम चेक करते हैं। तो ये देख लीजिए, हालांकि बल्ब तो नहीं जल रहा है लेकिन स्पार्किंग आ रही है, ठीक है। तो बल्ब नहीं जलने का कारण है कि वोल्टेज कम है, वोल्टेज कम हो गया है। वैसे सुबह से ही अप डाउन वोल्टेज हो रहा था हमारे यहाँ, तो इस समय वोल्टेज कम है इसलिए बल्ब नहीं जल रहा है, कोई बात नहीं। हालांकि स्पार्किंग आ रही है, कॉइल हमारा ठीक है। तो
और वैसे भी ये स्टेटर के अंदर आ गया, तो अब ये मैग्नेट बना रहा है, तो अगर वोल्टेज सही भी होगा तो बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है। और ये कॉइल जब बाहर था तो बल्ब जल रहा था, तो वोल्टेज कुछ और होता तो हल्का सा बल्ब जैसे जल रहा था वैसे जलता, लेकिन वोल्टेज कुछ कम है इसलिए नहीं जला। तो चलिए कोई बात नहीं है, कॉइल हमारा ठीक है। तो अब हम इसे टाइट करते हैं, और टाइट करने के बाद में हम इसे मोटर को चेक कर लेते हैं, मोटर हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो दोस्तों इसी तरह से आप भी इसे फिट कर सकते हैं और इसका रिपेयरिंग भी कर सकते हैं, इसकी नई वाइंडिंग भी कर सकते हैं। तो इसकी नई वाइंडिंग करने के लिए तो दोस्तों या तो आपको हाथ से वाइंडिंग करना पड़ेगा, और नहीं तो ये जो प्लास्टिक वाला कवर देख रहे थे तो कवर को काटना पड़ेगा जो कि आपस में जॉइंट था बीच में। तब आप इसे ग्राइंडर मशीन पे जो कॉइल बनाने वाली होती है तो उसमें लगा करके वाइंड कर सकते हैं। तो हालांकि अभी तो नया वाइंडिंग है नहीं, तो नया वाइंडिंग कोई आता है तो हम आपको दिखाएंगे कैसे इसको वाइंड करना है, इसकी रीवाइंडिंग हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये मोटर को फ्री कर लेना है। तो देखिए मोटर हमारी फ्री हो गई है, और अब हम इसे चेक कर लेंगे। तो ये हमारा बॉडी अर्थ वाला है, तो इसको लगा देते हैं। तो लगा होगा तो उसमें बॉडी अर्थ का कनेक्शन है ये। तो चलिए अब इसमें हम देते हैं सप्लाई और इस मोटर को चेक करते हैं। तो चलिए देते हैं सप्लाई। तो ये मोटर में आवाज़ आ रही है देख सकते हैं, इसलिए इसका स्पीड नहीं है, ये इसका बूस्ट पकड़ के चल रहा है। तो एक बार और चेक कर लेते हैं, देखिएगा। तो ये नहीं चलेगा, इसके अंदर थोड़ा सा तेल हमें डालना पड़ेगा, तेल डाल देते हैं तो ये हमारा फ्री हो जाएगा, क्योंकि बूस्ट पकड़ रहा था इसलिए ये आवाज़ करके, और स्पीड कम है इसकी, लोड नहीं ले रहा है। तो अब देखिए अब देते हैं सप्लाई, अब क्या होता है देखते हैं। तो देखिए स्पीड भी आ गई इसकी और साउंड भी नहीं है, सुन सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से रिपेयर करना है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।